सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ओप्पो की तरफ से लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है। उस स्मार्टफोन का नाम है ओप्पो S2। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओप्पो ने सबसे ख़ास स्मार्टफोन S2 को लॉन्च कर दिया है। यूज़र्स को ओप्पो S2 स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर, शानदार डिस्प्ले और 4 कैमरे का सपोर्ट मिला है। इसके अलावा कंपनी ने इस फ़ोन में 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट भी दिया है। हालांकि ओप्पो ने अब तक S2 की इंडिया में लॉन्चिंग को लेकर कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो आइए जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो S2 स्मार्टफोन के प्राइस की। ओप्पो ने इस फ़ोन को 3 वेरियंट के साथ मार्केट में उतारा है, जिसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज, दूसरा 8GB रैम और 256GB स्टोरेज और तीसरा 12GB रैम और 256GB स्टोरेज शामिल हैं। इस फ़ोन के पहले वेरिएंट की प्राइस 3,999 चीनी युआन यानी करीब 43,200 इंडियन रुपीज़ है। दूसरे वेरिएंट की प्राइस 4,599 चीनी युआन यानी करीब 49,700 रुपीज़ है। और तीसरे वेरिएंट की प्राइस 4,599 चीनी युआन यानी करीब 49,700 इंडियन रुपीज़ है। वहीं स्मार्टफोन को चाइना में 20 अप्रैल से ख़रीदा जा सकता है। इस स्मार्टफोन को ऑरोरा सिल्वर, मून रॉक ग्रे और फैंटेसी पर्पल कलर ऑप्शन के साथ ख़रीदा जा सकेगा। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। तो कंपनी ने ओप्पो S2 स्मार्टफोन में 6.5 इंच की फुल HD प्लस अमोल्ड डिस्प्ले दी है, जिसका रेजोल्यूशन 1080p x 2400p दिया है। साथ ही स्क्रीन की प्रोडक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन दिया है। इसके अलावा यूज़र्स को इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर का सपोर्ट मिलता है। वहीं एंड्रॉयड 10 बेस्ड कलर OS 7.1 का सपोर्ट भी मिलता है। अब बात करते हैं इसके कैमरे फीचर्स की। तो ओप्पो S2 स्मार्टफोन में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर दिया गया है। इसके अलावा यूज़र्स को इस फ़ोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। बैटरी की बात करें इस फ़ोन में तो 4000mAh की बैटरी दी गई है। और कनेक्टिविटी फ़ीचर्स में कंपनी ने इसमें वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ और 5G नेटवर्क और USB Type-C जैसे कनेक्टिविटी फ़ीचर्स दिए हैं। तो फ़ोन फ़िलहाल चाइना में लॉन्च हुआ है, इंडिया में लॉन्च के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जैसे ही लॉन्च हो जाएगा हम आपको बता देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव, सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।